नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पूजा की रेसिपी में। तो आज हम बनाने वाले मज़ेदार चटपटे झटपट से बनने वाले ज़ीरा आलू। एक तो ये फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी लगते हैं। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं इन्हें। तो ज़ीरा आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो बड़े चम्मच तेल को डाला। यहाँ पर मैं मूंगफली का तेल ले रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं या घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मखाने और मूंगफली के दाने लिया है, इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे ताकि जले ना। तो अच्छे से रोस्ट हो गए, अब इन्हें प्लेट पर निकाल लेंगे। तो सब चीज़ों को मैंने प्लेट पर निकाल लिया है। अब उसके बाद इसी तेल में यहाँ पर मैं एक बड़ा चम्मच जीरे को ऐड करूँगी। तो ज़ीरा ऐड करने के बाद जब ये अच्छे से चटक जाएगा तो एक ही अदरक के टुकड़े को, जिसे मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, उसे इसमें ऐड किया है। तो उसे भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और हल्की सी महक आने लग जाए। तो यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च और एक लाल मिर्च ली है, जिसे काट लिया है बारीक। उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा टमाटर जिसे रफली चॉप किया, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर अच्छे से जल जाए इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। तो नमक ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और टमाटर को गलने देंगे। तो थोड़ी देर बाद चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे टमाटर जो है अच्छे से गल गए हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैंने जो मूंगफली और मखाने जिन्हें फ्राई किया था उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर से एक बार सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि मूँगफली मखाने हमारे पहले से ही फ्राई हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पर दो बड़े आलू जिन्हें मैंने काट लिया था, तो किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, उसे भी इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब स्वाद के अनुसार नमक को ऐड किया है और स्वाद के अनुसार ही आप लाल मिर्च को ऐड करें। तो दोनों चीज़ ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा नींबू जिसे काट लिया था उसे इसमें ऐड कर देंगे और फिर से सब चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इन्हें बीच बीच में चलाते 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। तो यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें मैंने भून लिया है। तो ये देखिए हमारे मज़ेदार चटपटे आलू बनकर बिल्कुल ही तैयार हैं। तो अगर आपको कभी व्रत में कुछ झटपट से कुछ चटपटा खाने का मन हो तो इस तरह से आलू को ट्राई कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। और बच्चों को भी आप लंच बॉक्स में इसे बनाकर झटपट से दे सकते हैं। तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता है आपको क्या करना है, नीचे लाइक के बटन को क्लिक करना है और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, क्योंकि आप सबके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं इस तरह की एक और नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।